बड़े खूबसूरत काले बदल भी हैं, सफेद बदल भी हैं। ये देखो हमने बादलों के बीचों जनाब गुजरता पे जहाज, और असं बस हूँ तले लाहौर की आबादी सा को नजर दी पई है। बिस्मिल्लाह सही सारे दोस्तों भरावां को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करें सारे खैर खैरियत नाल होसो। दोस्तों अज का व्लॉग शुरू करने पे, आज सारी तैयारी है कराची तो लाहौर वास्ते। इतने नाल ही बिल्कुल गली दी नुक्कर ते ही एक रेस्टोरेंट है, उतों असा नाश्ता करेंदे रह गए। अज भी असं उतें ही नाश्ता किते, नाश्ता करते आए हैं, हुण बस ढांदे पे हैं, फ्रैश थींदे हैं, और साडा इरादा है कि 10 बजे 15 बजे तक लाजमी इतों निकल वञूँ। 20-25 मिनट का इतों रस्ता है एयरपोर्ट का, और भाई और अबू बकर भाई की फ्लाइट है जनाब 12 बजे 10 मिनट की एयर ब्लू की। मेरी और मेरा जरा पार्टनर बनी खान बैठे ना, साड़ी फ्लाइट है एयर सियाल की 1:30 बजे, तो असा वाल कट्ठे इतों निकले हुए सूँ। असं उतना घंटा डेढ़ वेट कर गए सूँ और एयरपोर्ट वजते बांधे हैं। बस साड़ी फ्लाइट तो खैर लेट है और एयर सियाल की है साड़ी फ्लाइट, तो ये जरा घंटा एक पहले पहुँच गए सन। असं भी इंशाला कुछ 3:15 बजे तक लैंड कर वैसे उतों उबर कर वैसे और सीधा पहुँच वैसे इंशाला घर, और घर वजते जनाब बालों के नाल वाला शाम को कितें ना कितें तल निकल सूँ, क्यों जो आमना वैसे ही उदास थी गई उसे काफ़ी, और मैं भी आमना के वास्ते काफ़ी उदास हाँ। तो बस हूँ तैयारी है साड़ी धागी नू ट्राउज़र शर्ट बस कोई रफ जहा पा गिंदे और अपना सफ़र करेंगे जनाब। लो जी असा तो धा दे जनाब फ्रेश थी गए बिल्कुल, और बाकी दोस्त भी रेडी हैं, बस वसीम धांदा पे और उनके तो बाद जरा ना असा हूँ उबर मैं करवेंदा पे सीधा पहुँचते हैं जनाब एयरपोर्ट। साढ़े को खुला टाइम है, लेकिन भाई होना की जी फ्लाइट है ना उनका टाइम थीवन वाला है, उनकी तो बोर्डिंग जरा साढ़े वेंद्या तक स्टार्ट थी गई उसे, साड़ी तो शायद ऊ वेले तक स्टार्ट कहना थी उसे, लेकिन असा भी खैर टाइम ना ही पहुंच वे एयरपोर्ट। कराची एयरपोर्ट से तो काफ़ी ज़्यादा रश नज़र आ पे जनाब, लाहौर एयरपोर्ट तो जिन बार अस आए हैं अद्धे ज़्यादा खाली आ। खैर अंदर वेंदे हैं जनाब बोर्डिंग करवेंदे हैं, असा जनाब काफ़ी जल्दी आ गए हैं, और एयर सियाल की बोर्डिंग ही स्टार्ट करनी थी 11:30 बजे तक थी से, और हूँ टाइम थे 11 बजे का। भाई होनी अपनी लाइन अच्छे एयर ब्लू की बोर्डिंग स्टार्ट है, क्यों क्यों जो उन्होंने फ्लाइट है थी 1 घंटा 10 मिनट बाकी है, 12:10 से उन्होंने फ्लाइट है। असा हूँ अद्धा घंटा इतना ही बांधे हैं जरा, और समान शमान असा अपना पैक करवा के थे, बस उनके तो बाद बोर्डिंग स्टार्ट थी 11:30 बजे तक बोर्डिंग करवाते अंदर वेंदे हैं। फाइनली जी बोर्डिंग थी गई है सारी, और असा गेट नंबर 13 से वंजने, और बस भाई हुनी भी उतना बैठे हुए और असा भी उतना ही बनते कॉफी प्लैनेट से बैठे हुए उतना ही बनते बांधे हैं, कोई चाय कॉफ़ी करेंदे हैं और उतनी देर जर है उन्होंने तो खैर फ्लाइट का टाइम फॉरन थी वैसे। असा वाल वेट करे सूँ अपनी फ्लाइट का माए और बनी खान, क्यों भाई बनी खान अच्छा फ्लाइट साड़ी है 1:30 बजे, लेकिन 1:30 थी गए और हूँ अनाउंसमेंट थी है अंदर बनने की। भाई हुणा दी फ्लाइट भी लेट थी गई आई आधा घंटा, उन्हां दी 12:10 ते फ्लाइट आई और 12:40 ते टेक ऑफ कीते, और साड़ी जरिए 1:30 बजे फ्लाइट आई, और हूँ उम्मीद है 15-20 मिनट मजीद जाहिर अलग वैसे ना जन हूँ अनाउंसमेंट थी है, अनाउंसमेंट थी पी है, और असा हूँ वेंदे पे सीधा जहाज़ वेंदे हैं, सामान शमान उत्ते रखे हैं अपना और सीट ते बांधे हैं। लाहौर च पहुँचते पता नहीं किहो जिहा मौसम हो से, बहरहाल कराची का इंतहाई खूबसूरत मौसम, असा हूँ छोड़ते लाहौर वास्ते रवाना थींदे पए हैं जनाब, और फ्लाइट साड़ी रेडी है एयर सियाल दी, थोड़ा जा लेट तो थी गई है लेकिन खैर पहुँचते हैं इंशाल्लाह लाहौर। लाहौर है बस असा जहाज दाखिल थींदे पए हैं, और इंशाल्लाह 1.5 घंटे कराची तो लाहौर पहुँच गए।
सर जनाब जहाज चाहते बहे गए सीट से और टेक ऑफ बस करण वाला है उम्मीद है 10 मिनट और 1:45 ठीक है और अस जाहिर है तकरीबन 25 मिनट लेट है जन 10 मिनट लग वैसे बहे जा रहा है टेक ऑफ करेंगे हो यहाँ लो जी दोस्तों अस रनवे ते हैं हूँ और बस इंशाल्लाह 1-2 मिनट अस टेक ऑफ करेसून लाहौर वास्ते और वापसी का रास्ता जो उन्होंने फ्लाइट की अनाउंसमेंट की थी वो जल्दी टाइम है आंधे साकू लगन 1:45 और वापसी का टाइम है जनाब 1:25 और थोड़ा जहा रूट वगैरह का शायद डिफरेंस होंगे तो इंशाल्लाह 1:25 का मतलब है कि अस इंशाल्लाह 3:20 तक लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर वैसे इंशाल्लाह जितना टाइम लगता पे ना ये लगते बाय रोड बहुत पे इवें कूड़ मारे के 1:25 पुज वैसू क्यों जो मैं तो आखिया कि 1-2 मिनट टेक ऑफ कर वैसे लेकिन 4-5 मिनट तो ठीक है साकू और बनी खान ये बाय रोड ही लग रहा है ना सड़कों सड़की जा रहे हैं और फाइनली असा टेक ऑफ करेंदे पे हैं रनवे ते स्पीड पकड़ की थी जनाब जहाज ने और हुण वाकई जरा है ना 20-30 सेकंड्स इंशाल्लाह असा टेक ऑफ कर वैसों तो जी असा टेक ऑफ कर गए हैं और इंशाल्लाह 1:25 लाहौर पहुंचते हैं लो जनाब सादा खाना आ गए आधा टाइम गुजर गए फ्लाइट को चावल है नाल चिकन का सालन है स्पैगेटीज और चिकन है अंदर रायता है ब्राउनी है नाल पेप्सी है और चाय का कप फिलहाल खाली है चाय सा को इंटर मिल से और बड़ी स्मूथ बेहतरीन किस्म की फ्लाइट सारी बहती पई है आसमान चेक करो अल्लाह ताला दी क्या खूबसूरत कुदरत है और ज़रा खाना खा के ना बाद ब्याह काम कुछ कर स्पैगेटीज तो मैं खा के दें लेकिन चावल तो आपको पता होना चाहिए हूँ तो हर भी लॉग इस दस कि मुझे चावल पसंद कह नहीं चावल उम्मीद उम्मीद रायता भी मैं कह नहीं खोलिया हूँ बस ब्राउनी जारी है ना ये खाने और उन्हें तो बाद जरा ना चाय का इंतजार करे सो हूँ जनाब चाय चलती पी है और खाना जरा है ना इन्हों का बहुत ज़बरदस्त था वैसे अस जितनी भी एयरलाइंस से ट्रैवल किए ना माए इतिहाद एयरलाइन से किए एमीरेट्स से किया हो PIA से किए सऊदी एयरलाइन से किया हो सारे बहुत अच्छे हैं एयर से आल जो नवी एयरलाइन है क्या तो बहुत ज़बरदस्त सर्विस है इन्होंने हूँ सऊदीया वास्ते भी हफ्ते 2 फ्लाइट है जो बल्कि हफ्ते शायद 4 फ्लाइट है इन्होंने लाहौर टू जद्दा वेद और बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है खाना भी बड़ा ज़बरदस्त है बहुत बेहतरीन सफ़र सारा गुजरता है और बाहर क्या खूबसूरत जरा ना नज़ारा है इंशाल्लाह आधे घंटे असं लाहौर एयरपोर्ट लैंड कर असं जनाब लाहौर की हदूद दाखिल थी गए हैं और मज़े की गल है कि क्या खूबसूरत मौसम इतना भी नज़रदा पे बड़े खूबसूरत काले बदल भी हैं सफ़ेद बदल भी हैं ये देखो हमने बादलों के बीचों जनाब गुजरता पे जहाज और असं बस हूँ तले लाहौर की आबादी साको नज़रती पई है इवें इंशाल्लाह 8-10 मिनट इंशाल्लाह लाहौर एयरपोर्ट लैंड करे सो फाइनली असा पहुंच गए हैं अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर और ए जनाब ए लैंड कर गए उसे ए लैंड 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 जन तक टायर थले नहीं लगे ए थी गया जनाब लैंड ए जनाब अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और सामने एयर ब्लू का जहाज़ खड़ा मेरा ख्याल है इंदे ते भाई होनी पहुँचन
आधा पौना घंटा ठीक है उन्होंने पहुँचे और बस थोड़ा सा सामान अपना चेंदे और बाहर निकलते हैं और सीधा ऊपर गिरते घर निकलते हैं। लाहौर अस पहुँचे ना और मौसम दसेंदा पे कि असा लाहौर आ गए हैं जनाब। शदीद गर्मी तो नहीं आख सकते लेकिन गर्मी की तपिश बहरहाल अच्छी खासी महसूस थी पई है और वसीम अपनी उबर वगैरह करवा पे और गड्डी पार्किंग चलती पई है लाने और सीधा घर निकल गए। हो गई माए जनाब घर आ गया और सिविक की हालत देखो गंदी थी हुई है तो माए बस आते खाना शाना खाधे और फ्रेश थे तो माए के हूने बनते जरा पहले गड्डी वॉश करवाने जनाब क्यों जो काफ़ी गंदी थी गई है स्पोटे तो असा ऑफिस खड़ी कर गए हसे ये अबू दे इस्तेमाल है छाई सारे वाला अबू वास्ते तो मुश्किल होंगे ना कितों सर्विस वगैरह करवाना और हम सर्विस स्टेशन वेंदे सीधा पहले गड्डी वॉश करवाने जनाब। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।